छतरपुर में जमीन विवाद को लेकर चचेरे भाइयों ने अपने भाई को गोली मार दी। फायरिंग से इलाके में दहशत फैल गई। पुलिस आरोपियों को तलाश कर रही है। गुवारा में जमीन विवाद को लेकर पूर्व विधायक के पीए को चचेरे भाइयों ने गोली मार दी। गोली लगने से घायल हुए पूर्व विधायक के पीए को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वार्ड क्रमांक 6 आजाद मोहल्ला के निवासी रमाकांत शुक्ला बीती रात छत पर टहल रहे थे, तभी पास में रहने वाले चचेरे भाई राकेश शुक्ला की पत्नी कमलनी शुक्ला आई और जमीन के वसीयतनामे पर चल रहे विवाद पर गाली गलौज करने लगी। तभी वहां पर राकेश शुक्ला, ब्रजेश शुक्ला, विनय शुक्ला, अविनाश शुक्ला, इंद्रपाल सिंह घोसी सहित एक अज्ञात व्यक्ति आया और इन सभी लोगों ने कट्टे से फायरिंग शुरू कर दी, जिससे एक गोली रमाकांत के दाएं कंधे को चीरती हुई निकल गई। गोलीबारी की आवाज से मोहल्ले में अफरा तफरी का माहौल बन गया। घटना की जानकारी लगते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। दो पक्षों में जमीनी विवाद की सूचना जो है पुलिस को प्राप्त हुई थी, जिसमें ऐसा बताया गया है कि एक पक्ष द्वारा जो है गोली चलाई गई, जिसमें एक व्यक्ति जो है वो उसके राइट हैंड में गोली लगने का निशान हुई है। तो फिलहाल उसे जो है छतरपुर रेफर कर दिया है और थाना प्रभारी भगवा को संबंधित जो आरोपियों के नाम आए हैं उनको राउंड अप करने के लिए बताया गया है। हाँ, गुवारा से एक पेशेंट आए हैं, रमाकांत शुक्ला, उम्र 43 वर्ष है और दाहिने हाथ में उनको गोली लगी है, जिनको प्राथमिक उपचार हमारे द्वारा दे दिया गया है और प्राथमिक उपचार के उपरांत अब हम उनको जिला चिकित्सालय रेफर कर रहे हैं। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गाँव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।